सिर्फ 10 मिनट इसे अपने चेहरे पर रोजाना लगा लीजिए रात को सोने से पहले। आपका चेहरा चमक उठेगा, दमक उठेगा। अगर आपकी अनइवन स्किन है और साथ में आपके पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है या आपकी धूप से स्किन बहुत ज्यादा काली हो चुकी है, डेड लेयर आ चुकी है, आपकी स्किन पर पिंपल के मार्क्स हैं या पिंपल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आपके कितनी भी पुरानी झाइयां पड़ी हुई हैं फेस पे तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगी। तो देखिए आज एक ही वीडियो में आपको कितना कुछ हेल्प मिल जाएगा, आपकी फेस की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाए और वो भी इतने सस्ते में। आज का मेरा ये वीडियो जो मैं आपके लेकर आई हूँ उसमें जो ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल झंझटबाजी नहीं, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और सस्ती भी है और इफेक्टिव हद से ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं कैसे इसे बनाना है और कैसे इसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कांच का बाउल ले लेना है, उसके बाद इसमें 2 चम्मच आपको कच्चा दूध ऐड करना है, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/4 चम्मच कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी अगर आप अपने फेस को चमकाना चाहते हैं तो मार्केट से एक बार का खर्चा है इसको ले लीजिए बड़ी डब्बी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आपने लाइफ में कभी ट्राई नहीं करा तो एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसको रेगुलर यूज करती हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। रिजल्ट क्या बेहतरीन आता है, जिससे आपके छोटे छोटे जो पिंपल्स बार बार आपके फेस पर आ जाते हैं वो चले जाते हैं, आपके पिंपल के मार्क्स हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन लुक देता है, और अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद फेस धोते हैं तो आपका चेहरा पीला भी नहीं पड़ता। मतलब एक बार इसको ट्राई जरूर करिए मेरे कहने पर, उसके बाद आप खुद ब खुद मान जाएंगे कि मैंने आपको इतना इंसिस्ट क्यों किया। वैसे मैं जहाँ से लेती हूँ मैं ऑनलाइन लेती हूँ, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई भी स्टोर होगा जहां से आपको इजीली मिल जाए वहां से जाके आप कस्तूरी हल्दी ले लीजिए। तो आपने डालना है इसमें 1/4 चम्मच कस्तूरी हल्दी का, साथ में ऐड करने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। इवॉन के आते हैं, 30 रुपए का पत्ता होता है, 10 कैप्सूल या 12 कैप्सूल होते हैं उसमें, तो सस्ता आता है और वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो केमिस्ट से आपको इजिली विटामिन ई का इवॉन का कैप्सूल जो होते हैं वो मिल जाएगा, तो वो आप इसमें डालकर उसका जेल जो है लगाइए, क्योंकि जो विटामिन ई होता है हमारी स्किन को इवन करता है, नरिश लुक देता है, ग्लोइंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, उसका टेक्सचर बहुत सुधर जाएगा और साथ में जो आपकी एजिंग है उसको भी स्लो डाउन हो जाती है, आपकी झाइयों के मार्क्स इससे दूर हो जाएंगे। मिल क्या करता है, आपकी स्किन को व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, आपके पोर्स को अंदर से डीपली क्लीन करता है। तो ये तो हो गया कैसे इसको बनाना है, अब जान लेते हैं इसको लगाने का सही तरीका। लगाने के लिए आपने क्या करना है, रात को अपना चेहरा अच्छे से किसी भी फेस वॉश से धो लेना है, धोने के बाद उसको सुखा लीजिए, उसके बाद अपनी फिंगर टिप से या कॉटन से या फिर किसी ब्रश की सहायता से आप अपने चेहरे पर इस पैक को लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट बाद अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए, उसके बाद अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर फेस पर अप्लाई करके सो जाइए। अगर मॉइस्चराइजर ना हो तो आप एलोवेरा जेल थोड़ा सा अपने फेस पे, जो पतंजलि का आता है या फ्रेश है तो और अच्छी बात है, वो अप्लाई करके सो जाए। उसके बाद आप अपनी चेहरे की रंगत देखना कि कितनी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपके फेस पर। तो अगर आप इसका और बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको रोज फॉलो करें, डेली इसको अप्लाई करें, सुबह अपना फेस वॉश करें, अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाएं और रात को जरूर इसको अप्लाई करके सोएं। वैसे तो मैं आपसे कहूंगी कि सुबह आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि रात में जब आपने स्किन केयर किया है तो आपका फेस बिल्कुल साफ हुआ है, ठीक है। तो बस कहीं बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, घर पर है तो भी सनस्क्रीन जरूर लगाएं, पानी बहुत ज्यादा पिएं और हेल्दी डाइट इनटेक करें। जब हम शुगर और सॉल्ट को कम कर देते हैं अपनी डाइट में से तो वैसे ही हमारा जो बॉडी अंदर से साफ रहना शुरू हो जाता है, क्लींस रहना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और पानी जब हम ज्यादा पीते हैं तो हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है, क्योंकि जो चीनी होती है, नमक होता है, हमारे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां लेकर आता है और डलनेस लेकर आता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।